जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। देखिए, मैं 1993 में जब विधायक बना, उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉई जो 85 साल से, 30 साल से, 40 साल से चले आ, जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। लेकिन सुरंग का जो जायजा लिया गया, उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है। लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं, क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ बहुत डीपली, सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी, उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। ये सुरंग, जैसा आपने भी कहा निरंजन जी, 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी। उस वक्त उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो हमारे सब नेता, नेहरू, लाला लाजपत राय, जो भी इंडियन नेता चुने जाते थे, वो यहाँ बैठते थे। 58 की संख्या टोटल होती थी। उस 58 की संख्या में मेजोरिटी ब्रिटिश की रहती थी। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है, ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चली गई। 1926 में बिल्डिंग खाली हो गई, ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों में लाया जाना।